घग्गर नदी में रौद्र रूप किया धारण, पंचकुला में फिर कौशल्या डैम के फ्लड गेट खोले गए। इस वक्त हम पंचकुला में कौशल्या डैम पर मौजूद है। कौशल्या डैम जो कि कौशल्या नदी पर बना है, 778 मीटर इसका रिजर्वर का वाटर लेवल है। और इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे मेरे सहयोगी अक्षय कि किस तरह से इस कौशल्या नदी ने विकराल रूप धारण किया हुआ है, किस तरह से ये उफान पर है, दिल दहला देने वाले दृश्य है। फ्लड गेट जो है इस नदी के खोले गए हैं, इस डैम से खोले गए हैं, ताकि जो वाटर लेवल को खतरे से पार जो जा रहे हैं पानी, उसे निकाला जा सके। वहीं जो डैम का प्रबंधन है और जिला प्रशासन है, उन्होंने एहतियातन तौर पर आसपास में मुनादी करवा दी है। इसके अलावा सायरन भी बजाए गए हैं और लोगों को बताया गया है कि इसके आसपास ना आए। जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश और बढ़ेगी, ऐसे में जल स्तर इस डैम का भी बढ़ता रहेगा और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी फ्लड गेट खोलकर और इसके थ्रू जो पानी निकाला जा रहा है, एक्स्ट्रा पानी, ये प्रक्रिया भी जारी रहने वाली है। आपको बता दें कि आज सुबह से 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, वहीं शनिवार देर शाम को भी पानी छोड़ा गया था। अभी आने के समय भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रबंधन अपनी पूरी नजर जिला शासन के साथ साथ पंचकुला में कौशल्या डैम से आज सुबह 7 बजे से लेकर अब तक 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने के साथ ही यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। पंचकुला सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने आज जानकारी देते हुए बताया कि डैम प्रबंधन और जिला प्रशासन कौशल्या डैम के बढ़ते जल स्तर पर अपनी नजर बनाए हुए है। सर, कौशल्या डैम में जिस तरह से लगातार पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय से बारिश हो रही है, रिजर्वर में काफी पानी भरा है, तो कितना पानी अब तक रिलीज किया गया, कितने फ्लड गेट खोले गए हैं? देखिए, कौशल्या डैम में हम 478 के ऊपर जो हमारा रिजर्वर का लेवल है उसके ऊपर गेट खोल देते हैं। और कल ये शाम को 6-7 बजे हमने गेट खोलना शुरू किया था प्रिकॉशनली, क्योंकि कैचमेंट एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा थी और पानी कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। तो ये पहले शुरू में पानी 600 क्यूसिक रिलीज किया गया था और जो रात में बढ़ते बढ़ते 2,000-2,500 क्यूसिक हो गया था, और अभी सुबह में 7 बजे से हमने 7,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। जी, अभी भी लगातार बढ़ रहा है? हाँ, पानी बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे और जो बारिश का पूर्वानुमान अभी है तो अगले 2 दिनों में अभी बारिश का है, तो उस वजह से हम अपने सभी गेट्स को खोल रहे हैं, ताकि जो हमारा 478 लेवल है, शायद उससे भी हम कुछ प्रिकॉशनली 477 या उस लेवल को हटे। जैसे आसपास में कई लोग रहते हैं तो यहाँ पर एहतियातन अनाउंसमेंट करवा दी गई थी? हाँ बिल्कुल, जब हम गेट खोलते हैं उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेशन दे दी गई थी और सायरन बजाकर हम उसको पूरा, हमने 3 बार सायरन बजाकर लोगों को बांट दी। और अभी इस डिस्चार्ज में किसी को, मेरे को लगता कि नियर बाय रेजिडेंशियल एरिया में किसी को नहीं दिखा, यानी पूरी स्थिति अभी काबू में है? हाँ बिल्कुल, और हमारा सारा स्टाफ 24 घंटे यहीं पर तैनात है, नजर बनाए हुए। बिल्कुल, पंचकुला में घग्गर नदी लगातार उफान पर है, रौद्र रूप जो है घग्गर नदी ने धारण किया हुआ है, विकराल रूप। यह देखिए, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, दिल दहला देने वाला दृश्य है। आप देखिए पंचकुला में घग्गर नदी किस तरह उफान पर है, लगातार पंचकुला में हो रही बारिश और पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते ये जल स्तर बढ़ा हुआ है। वहीं पंचकुला पुलिस प्रशासन ने धारा 144 जो है लागू की हुई है घग्गर नदी और आसपास के क्षेत्र में, यानी किसी भी व्यक्ति को घग्गर नदी में नहाने, कपड़े धोने, सामाजिक व धार्मिक आयोजन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस मुखिया भी लगातार स्पीकर से लोगों में मुनादी कर रही है ताकि लोग नदी में ना जाएं। ये विकराल रूप जो है नदी का आप देख सकते हैं, बड़ा ही दिल दहला देने वाले दृश्य है। अर्थ प्रकाश इस पर पंचकुला के सेक्टर 1 में घग्गर नदी के पुल से आपको नजारा दिखा रहा है। पंचकुला से सहयोग अक्षर साहब, अर्थ प्रकाश न्यूज के लिए मोहम्मद चरान। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।